बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस या कहीं धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित आजकल फिर से लाइमलाइट में रहने लगी हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बढ़ती उम्र के साथ माधुरी की खूबसूरती और निखरती जा रही है। खैर, अगर उनके बीते सालों की बात करें तो जहां उन दिनों वह अपनी फिल्मों को लेकर खबरों में आ रही थी, वहीं वह अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रही थी। जी, हम बात कर रहे हैं उन दिनों के मशहूर कपल एक्ट्रेस संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बारे में। कहा जाता है कि उन दिनों माधुरी संजय के पीछे पागल थी, लेकिन वक्त के साथ उनका प्यार धुंधला पड़ गया और अंत में दोनों का ब्रेकअप हो गया। खैर, ये तो पुराने ज़माने की बात है। आज माधुरी अपने पति डॉक्टर नेने के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप सुनकर चौंक उठेंगे। जी, आपको बता दें, हाल में माधुरी ने डर के मारे एक बार फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड संजय दत्त को फ़ोन कर दिया। खबरों की माने तो संजय दत्त के जेल से निकलने के बाद से ही उनकी बायोपिक पर काम चल रहा है, जिसमें एक्टर रणबीर कपूर लीड किरदार निभा रहे हैं। अब खुद सोचिए, संजय दत्त की बायोपिक और उसमें माधुरी दीक्षित का जिक्र भी ना हो, भला ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन असल बात यही है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार पता चला है कि जब से माधुरी को पता चला है कि संजय पर एक बायोपिक बनने जा रही है, वह काफ़ी डरी हुई थी। यही वजह थी कि माधुरी ने संजू बाबा को फ़ोन कर ये कह दिया कि वह नहीं चाहती कि वह फिल्म में दिखाई भी दे या उनके नाम का जिक्र भी हो। और संजय दत्त ने उनकी बात मानते हुए उनसे ये वादा किया कि वह इस फिल्म के दौरान एक भी बार माधुरी के बारे में जिक्र नहीं होने देंगे। बॉलीवुड से जुड़ी अन्य खबरों के लिए फॉलो करें पत्रिका एंटरटेनमेंट।